हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्लस स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म सिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने ब्लस स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, 18 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंसमेंट किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, ये न्यूज जैसे ही बॉलीवुड और मीडिया प्लेटफॉर्म तक गई, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले की सराहना की। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार है कि यहाँ फिल्म डेवलपमेंट पे बात हुई है। अगर दोस्तों यूपी के अंदर हम फिल्म सिटी डेवलपमेंट की बात करें तो अखिलेश गवर्नमेंट में 2015 में लखनऊ में फिल्म सिटी एस्टेब्लिश करने पर बात हुई। वहीं एक फिल्म सिटी ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी, जो कि एक प्रस्तावित शहर था, उस पे विचार हुई, लेकिन दोस्तों जमीनी स्तर पर आज तक उस पे कोई काम नहीं किया गया। वहीं दोस्तों 2016 में अखिलेश गवर्नमेंट और अभिनेता रवि किशन के बीच एक एमओयू साइन हुआ, जो कि दोस्तों फिल्म सिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड था। और दोस्तों ये सिटी गोरखपुर या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में बनाई जाए ऐसा तय किया गया, लेकिन दोस्तों धरताला पे इस पे कोई काम नहीं हुआ। वहीं दोस्तों 2018 में गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने फिल्म सिटी के डेवलपमेंट का प्लान बनाया, जिसमें दोस्तों तीन जिले शामिल किए, जिसमें सोनभद्र, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ के बीच के एरिया। इन तीनों जिलों में दोस्तों कॉम्पिटिशन था कि कौन से जिले बेस्ट हैं जहाँ पर दोस्तों फिल्म सिटी का डेवलपमेंट हो। वहीं दोस्तों 2020 के जून में यह तय हुआ कि फिल्म सिटी कानपुर लखनऊ के बीच में बनाई जाएगी, लेकिन दोस्तों अंत में यह पाया गया कि फिल्म सिटी के लिए बेस्ट जगह गौतम बुद्ध नगर जिले के शहर है, जैसे कि दोस्तों ग्रेटर नोएडा या नोएडा। वहीं दोस्तों 2020 के सितंबर में 18 तारीख को एकदम सही समय पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने फिल्म सिटी डेवलपमेंट का अनाउंसमेंट किया और ये फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर जिले में बसाने की बात कही। दोस्तों इस फिल्म सिटी का अनाउंसमेंट बिल्कुल सही समय पे किया गया। दोस्तों इस समय बॉलीवुड दो खेमे में बढ़ चुका है। जनता की मांग भी थी कि हिंदी फिल्म पुनर्जीवित हो। बॉलीवुड में ज्यादातर मूवीज नेगेटिव आइडियोलॉजी का शिकार है। हिंदी फिल्म के नाम पर लोग साउथ मूवीज का रिमेक, लव स्टोरी बेस्ड मूवीज और एंटी कल्चरल मूवीज को प्रमोट करते हैं। साथ ही दोस्तों आज के समय में भारत में बॉलीवुड इंडस्ट्री लगभग बदनाम हो चुकी है और इसका दोस्तों भारी मात्रा में लोग बायकॉट कर रहे हैं। और दोस्तों ये फिल्म सिटी के अनाउंसमेंट के लिए बिल्कुल बेस्ट समय बनकर उभरा। दोस्तों ये समय फिल्म सिटी के अनाउंसमेंट के लिए बिल्कुल सही था और दोस्तों ऐसा ही हुआ। दोस्तों इस फिल्म सिटी से क्या फायदा होगा, इसके बारे में मैंने पहली वीडियो बना रखी है और आई बटन पे लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेजर अपडेट्स की बात करेंगे, जो कि दोस्तों नोएडा के अंदर फिल्म सिटी से रिलेटेड है। दोस्तों अगर जमीन अलॉटमेंट की बात करें नोएडा फिल्म सिटी के लिए, तो तीन अथॉरिटी से ये प्रस्ताव मांगा गया था, जिसमें दोस्तों नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन तीनों अथॉरिटी को लगभग 1000 एकर्स के लैंड का प्रस्ताव मांगा गया था। इसके तहत दोस्तों ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेसवे पर नियर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 550 एकड़ लैंड आइडेंटिफाई किया। साथ ही दोस्तों 250 एकड़ लैंड GNID यानी कि ग्रेनेडा के पास पहले से ही मौजूद था। वहीं दोस्तों न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा ने 200 एकड़ लैंड सेक्टर 162, 164, 165 में आइडेंटिफाई किया। वहीं दोस्तों इन 200 एकड़ के लैंड का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट को भेजा। और अंतिम में बात करें यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो इसने लगभग 1000 एकड़ का प्रस्ताव भेजा। ये भूमि सेक्टर 21 यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे आइडेंटिफाई की गई है। इन तीनों अथॉरिटी ने प्रस्ताव 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भेजा। वहीं दोस्तों 22 सितंबर 2020 को कनेक्टिविटी और लैंड एरिया को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के 1000 एकड़ के लैंड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। साथ ही दोस्तों 22 सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फिल्म सिटी से रिलेटेड एक बैठक बुलाई और सुझाव मांगे। तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भले ही नोएडा यूपी में है, लेकिन ये NCR का हिस्सा है, इसका ज्यादातर फायदा कुछ ही जिले उठा पाएंगे, जैसे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ क्षेत्र, दिल्ली आदि। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राष्ट्र हित को देखते हुए नोएडा में फिल्म सिटी का डेवलपमेंट सोचा, क्योंकि दोस्तों नोएडा फिल्म सिटी के लिए बेस्ट था। दोस्तों नोएडा से जितना पास चंडीगढ़ है, उससे दूर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिले हैं। तो ये सुझाव आया कि फिल्म सिटी का प्लान लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसको देखते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि प्रादेशिक भाषा एवं स्थानीय कलाकारों के लिए लगभग 250 से 200 एकड़ के मिनी फिल्म सिटीज का डेवलपमेंट आगरा, लखनऊ और वाराणसी में भी किया जा सकता है। ये दोस्तों ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आने वाले समय में इस पर कितना काम होगा वो तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आप कोई भी अपडेट इससे रिलेटेड जानना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।